ये जो हमारा अनशन है, आज छठा दिन है, इस मांग को लेकर है कि उच्च न्यायालय का 18 अगस्त 2015 का जो आदेश है सुधीर अग्रवाल न्यायमूर्ति का, कि इस प्रदेश के सारे सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और न्यायाधीशों के बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने चाहिए, क्योंकि सरकारी विद्यालयों की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि जो इनको चलाने वाले हैं, यदि उनके बच्चे खुद उसमें नहीं पढ़ेंगे तो उसकी स्थिति सुधरेगी नहीं। और हम लोग का मानना है कि सारी चीज़ें करके देखी जा चुकी हैं, भवन बन गए हैं बढ़िया, मध्याह्न भोजन मिल रहा है, टीचरों की तनख्वाह बढ़ गई है, लेकिन फिर भी वहाँ गुणवत्ता बड़ी ख़राब है। तो देश के 90% लोगों के बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते हैं, और जो इन स्कूलों का संचालन करने वाले हैं वो बिल्कुल लापरवाह हैं इसके प्रति। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई है, जस्टिस सुधीर अग्रवाल कहते हैं कि जिन स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते हैं, यानी अधिकारियों के, वो वैसे स्कूलों में उन शिक्षा मित्रों को देखना नहीं चाहेंगे शिक्षक के रूप में। और नियुक्तियों को लेकर राजनीति हो रही है, शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को एक वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। ये बड़ी गंभीर टिप्पणियां हैं, और उन्होंने कहा है कि इसको अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। सोशलिस्ट पार्टी तो ये भी मांग कर रही है कि इस देश में सरकारी नौकरी उसी को मिले जो सरकारी विद्यालय में पढ़ा, और इस देश में चुनाव भी वही लड़ पाए जो सरकारी विद्यालय से पढ़ा हो। तो ये एक विडंबना है कि सबको सारी सरकारी सुविधाएं चाहिए, लेकिन जो संपन्न लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं भेजना चाहते। इस देश का जो शासक वर्ग है, शायद वो नहीं चाहता कि उसके बच्चों के साथ भारत के की जनता, आम जनता के बच्चे प्रतियोगिता में खड़े हों, जब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए या विदेश जाने के मौके या अच्छी नौकरियों के जो हैं मौके जब मिले। और ये बात एक सर्वव्यापी है कि दुनिया में जहाँ जहाँ 99-100% बच्चों की साक्षरता दर हासिल हुई है वो सरकारी विद्यालयों के माध्यम से ही हुई है। तो हम लोगों का भी कहना है कि भारत में चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण खत्म होना चाहिए, और इन दो क्षेत्रों में सारी सुविधाएं जनता को निःशुल्क और एक समान मिलनी चाहिए। और पूरे दुनिया का अनुभव है कि ये समान शिक्षा प्रणाली और पड़ोस के स्कूल की अवधारणा से संभव है। अब हमारे देश में हमारा शासक वर्ग इसको क्यों नहीं कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये वो शासक वर्ग है जो स्कूल में तो अपने बच्चे को जो है निजी स्कूल में भेजता है, लेकिन जब वो बच्चा स्कूल की दहलीज पार करके कॉलेज में जाता है तब वो अपने बच्चे को सरकारी संस्थान में भेजना चाहता है, जैसे IIT और IIM या AIIMS या सरकारी मेडिकल कॉलेज। तो ये इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि ये इनके ही हित में है, और ये हमारी जो लड़ाई है, ये संसाधनों पे जो एक शासक वर्ग का अधिकार हो गया है और वो गरीबों को इससे वंचित रखना चाहते हैं, लगातार वंचित रखना चाहते हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि लोकतंत्र है, इसमें सारे संसाधनों पे सभी का समान हक है, और समान हक के कारण सबको समान शिक्षा और समान चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए।